मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पुलिस ने लगभग 11,000 रुपए के 22 चालान काटे, जिसमें 2 ट्रैक्टर और अन्य वाहन चालक शामिल है। ट्रैक्टर चालक खुले में सरिये भरकर लेकर जा रहा था, पुलिस ने रोका और चालानी कार्यवाही की। सरिये को सांकेतिक रूप से सीमेंट के कट्टे से सरिये के मुंह को बांधा। इस दौरान थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि कई दिनों से खिलचीपुर शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा सूचना मिल रही थी कि बाहर से ट्रैक्टर ट्राली पिकअप और अन्य वाहन अनावश्यक रूप से सड़कों पर खड़ी कर देते हैं, उन पर कार्यवाही की जावे ताकि हमारे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। इस बात को लेकर आज मैं पुलिस अमले को लेकर यहाँ पर जो रोड पर वाहन खड़े हुए थे उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहा हूँ। अभी 2 घंटे के भीतर 20 चालान बनाए, जब तक लोग अपने वाहनों को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे कार्यवाही जारी रहेगी। खिलचीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कई दिनों से खिलचीपुर कस्बे के जो गणमान्य नागरिक हैं उनकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि सर बाहर से कुछ लोग जो पिकअप है ट्रैक्टर वगैरह हैं ये अनावश्यक रूप से रोड पर खड़ी कर देते हैं और उन पर कार्रवाई की जाए ताकि हमारे शहर में एक ट्रैफिक व्यवस्था ठीक से बनी रहे। इस बात को लेकर आज मैं अपने पुलिस अमले के साथ यहाँ पर जो रोड पर वाहन खड़े हुए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी 2 घंटे के अंदर मेरे द्वारा 20 चालान बनाए गए जिसमें 10,000 रुपये सम्मान शुल्क है और ये शाम तक मेरी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि हमारे खिलचीपुर कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और जब तक लोग ये ठीक तरीके से वाहनों को नहीं रखेंगे तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।